राजन फिल्म का लॉन्च है, म्यूज़िक लॉन्च है और ये अक्टूबर में फिल्म आने वाली है। चीज़ इसे एक्चुअली मराठी सिनेमा जो अभी एक ऐसे लेवल पे पहुंच रहा है कि पहले ऐसा नहीं था कि मराठी फिल्मों के इतने देखने वाले थे, अब बहुत ध्यान से फिल्में बन रही हैं, बहुत सोच समझ के फिल्में बन रही हैं और मराठियों के अंदर में मराठी सिनेमा के लिए एक अलग लुत्फ जगह है नया। और मुझे बहुत ही खुशी है कि अच्छी अच्छी फिल्म बन के आ रही है। उसी कतार में ये फिल्म है राजन बन के आई है। इसे एक्चुअली मेरा भाई है छोटा कुणाल लथानी जिसने इसे को प्रोड्यूस किया है और ये बहुत बढ़िया भरत नाम के डायरेक्टर हैं जिन्होंने इसे किया है और सुरेखा पाटिल हैं जिन्होंने इसे प्रोड्यूस किया है और राकेश बापट इस फिल्म में मेन किरदार निभा रहे हैं। मेरे ख्याल से राजन गवई निभा रहे हैं बट इसके आगे मैं खुद भी फिल्म देखना चाहूँगा। सो मैं आई जस्ट केम टू विश द एंटायर टीम ऑल द बेस्ट। एक्चुअली मुझे गाने बड़े अच्छे लगे इसके, मैं और सुनता पर क्योंकि मुझे अभी एक और गाने गाने के लिए जाना है इसलिए, और रात लेट हो गई एंड दिस पीपल कम फ्रॉम दिल्ली सो आई हैव टू रश राइट नाउ। इसलिए हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, अरे क्यों नहीं गाएंगे, मार मार के इसे बोलूँ मुझे गाने के लिए। मुझे पता नहीं, जिस बारे में पता नहीं मैं कुछ कह नहीं सकता। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। I think it's a very very commercial music. It's definitely something. हम लोग अंदर बात कर रहे थे, अगला सारा जो भी festivals होंगे उसमें सब ये गाने सुनने वाले हैं हम लोग। मैंने बाकी गाने भी सुने हैं। I think it's going to be very very a big huge success. I love Marathi. I've grown up in Bombay all my life, so definitely Marathi is part of my culture. I definitely enjoy Marathi music. मैं ये फिल्म का ट्रेलर ही नहीं, मैं इनफैक्ट थोड़ा कुछ पार्ट्स देखा भी हूँ, पिक्चर के कुछ पार्ट्स देखा हूँ। आई थिंक इट्स अ फैबुलस फिल्म एंड मैं जो लोग देख रहे हैं उनसे यही कहूँगा कि डेफिनेटली आप ये म्यूज़िक एंजॉय करेंगे, आप ये फिल्म एंजॉय करेंगे। यू शुड डेफिनेटली गो एंड यू शुड वॉच दिस फिल्म, यू विल डेफिनेटली हैव अ गुड टाइम। कम कीर्ति कम, दिस इज़ कीर्ति सगातिया, इज़ अ प्लेबैक सिंगर इन बॉलीवुड। आप इनसे म्यूजिक के बारे में पूछ सकते हैं, मुझसे सिनेमा के बारे में पूछ सकते हैं। अच्छा संगीत जो है वो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए और इस फिल्म का संगीत बहुत अच्छा है। सो मैं दर्शकों से कहूँगा कि प्लीज़ डू लिसन एंड शेयर, पायरेसी ना करें। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। फर्स्टली आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म, दिस इज़ माई फर्स्ट फिल्म और आज म्यूजिक लॉन्च हुआ है। आप सुन रहे हो, आप सुनो, ज़रूर सुनो, इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सॉन्ग एंड ट्रेलर इज ऑल्सो ब्यूटिफुल, सो डू वॉच द मूवी। ओके, आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर नेम रानी एंड रानी आपको बता सकती है कि प्यार क्या होता है। वो प्यार जो करती है अनकंडीशनली करती है, शी इज़ ए डिसेंट पर्सन और बाकी जो कुछ भी है वो आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। ऑफकोर्स को स्टार्स डायरेक्टर राकेश बापट, किशोरी शाहने मैम एंड अदर को स्टार्स इवन भरत सर, गणेश सर, राकेश, रुपेश दादा, एवरीवन वॉज रियली नाइस विथ मी और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, गाइड भी किया, एज अ फ्रेंड वो थे मेरे साथ हमेशा। लेकिन इट्स लाइक वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। थैंक यू सो मच। अरे कोई लेके नहीं आ रहा, ले ले ले। कहाँ कहाँ यार, इतने तो खत्म करेंगे ना फटाफट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। भाई मैं बता नहीं सकता, मैं इतना खुश हूँ। इसके लिए हमने बहुत मेहनत की है। पिक्चर एक्चुअली रिलीज़ कुछ मंथ पहले होने वाली थी लेकिन आस्ते आस्ते कोई चीज़ों में हम फंस गए थे एंड फाइनली अब रिलीज़ हो रही है, तो ये इससे ज़्यादा बेटर कुछ नहीं हो सकता हमारे लिए, बिकॉज दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। और प्रोडक्ट जब आप लोग भी देखेंगे आई एम श्योर आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, बिकॉज ऑल एंड ऑल बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, बहुत अच्छी तरीके से यू नो प्रेजेंट की गई है। सो आई जस्ट वॉन्ट एवरीबडी टू वॉच इट। जी जी जी, सोनू
सोनू जी मेरे भाई हैं, मेरे मतलब मैं उनका फ़ैन हूँ, पहले वो मेरे भाई से पहले मैं उनका फ़ैन हूँ, क्योंकि इतने बड़े लेजेंड हैं और वो यहाँ पर आए मेरी फर्स्ट मूवी के लिए। मतलब इनसे इससे बेटर ब्लेसिंग मुझे कहीं नहीं मिल सकती, ऑब्वियसली ऑन स्टेज। एंड मेरी मॉम, मेरी बहन आई हुई है यहाँ पर, मेरे फ्रेंड आए हुए हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी पूरी फैमिली है यहाँ पर। आप लोग भी आप फैमिली हो, सो यू नो थैंक यू एवरीबॉडी टू कम हियर। एंड यू नो आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा जो आप लोगों ने देखा। हाँ, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। नेक्स्ट मेरी दो प्रोजेक्ट्स आ रही हैं, एक मैं कर रहा हूँ जो राहुल नाम्बियार डायरेक्टर हैं हैदराबाद से, जिन्होंने बाहुबली का VFX किया हुआ है, वो नेशनल अवार्ड विनर है। उन्होंने उससे पहले अरुण अतिथि फिल्म बनाई थी, तो उनके साथ में मेरी नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, अनटाइटल्ड है अभी बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन। ये है कि हम लखनऊ में शूट कर रहे हैं। एंड सेकेंड जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी बड़े यूथ स्टार्स बॉलीवुड के, उनके साथ में कर रहे हैं। अभी मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि नवंबर में मेरी उनके साथ में मीटिंग है। स्क्रिप्ट पसंद आ चुकी है, एवरीथिंग इज़ डन, सो दैट्स ए बिग बजट फिल्म, कम से कम 35-40 करोड़ की फिल्म है वो, सो बिग बैनर, बिग बजट, दैट काइंड ऑफ फिल्म। या तो ये दो अभी मेरे लिए आगे आने वाली हैं, ये दो चीज़ें, सो आई एम हैप्पी। राजन, हाँ, ये एक्चुअली पूरी शैतानी जो दिमाग है वो हमारे डायरेक्टर की है। एंड जब उसने स्क्रिप्ट सुनाया था, बहुत ही कमाल था। एंड उनके पास राइट्स थी फिल्म्स की, जिस तरीके से उनको बनाना था, क्या बनाना था, सो राइट्स होने की वजह से यू नो इट वाज इजी फॉर अस कि हाँ ठीक है ये कर सकते हैं हम लोग। और बाकी तो सिर्फ मैं बोल सकता हूँ कि डायरेक्टर हैज़ डन रियली गुड जॉब। राम गोपाल वर्मा जैसे बोल रहे हैं आप, वो मैं उनको बहुत पहले से जानता हूँ, काफ़ी अच्छी यू नो फिल्में बना चुके हैं गैंगस्टर टाइप। बट हमने ये जो फिल्म रखी है ये बहुत रॉ फिल्म है। ये आप अगर देखोगे रामू सर जैसी है, पर ये थोड़ी स्टाइलिश बट स्टिल यू नो नॉर्मल टाइप की फिल्म है, जैसे यू नो रियल लाइफ में कैसे शूट की जाएगी। ज़्यादा हमने उसमें हाइप नहीं किया गया, कहीं पर भी ऐसे नहीं दिखेगा आपको। फिल्म का जो मेन पोर्शन आप देखोगे वो यही है कि हमने रॉ शूट किया उसे, तो रॉ शूट करने की वजह से हम लोग बहुत खुश हैं कि या द प्रोडक्ट हैज़ टर्न आउट जैसे हमने सोचा था। हमको नहीं बनाना था कि यू नो बहुत ज़्यादा ग्लैमरस हो, बाइक पे आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो नहीं करना था। जैसे होता था वो टाइम पर उसी तरीके से ये सारी चीज़ों को दिखाया गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस। आई एम वेरी हैप्पी कि राजन फिल्म का एक अभी लोगों तक पहुंच रही है, 19 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है और आज इतने बड़े ग्रेंजर में इसका फंक्शन हुआ है। सोनू निगम से लेके सैमी सैमुअल और बहुत सारे डिग्निटरीज यहाँ पे उपस्थित रहे। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ भरत सुनंदा डायरेक्टर और जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं कुणाल और मिस्टर एंड मिसेस पाटिल, उनके वजह से ही सब ये हुआ है। तो बेसिकली मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैं इस पिक्चर का एक भाग हूँ और एक बहुत अच्छा रोल है मेरा। मैं चीफ मिनिस्टर का रोल कर रही हूँ इस फिल्म में और ये फिल्म एक 1993 की बैकड्रॉप पर है और पीरियड फिल्म है, सो डेफिनेटली एक अलग सा उसका जॉनर है। और जो कुछ बॉम्ब ब्लास्ट हुए और जो एक किरदार हुए हैं उनके लाइफ से इंस्पायर होके ये फिल्म बनी हुई है। सो आई विल नॉट से कि एग्जैक्टली सेम है बट वहाँ से कुछ इंसिडेंसेस लिए हैं। तो काफ़ी एंटरटेनिंग फिल्म है, कमर्शियल है और एक अलग फिल्म है, पहली बार ये सब्जेक्ट हैंडल किया गया है। यस यस, आई हैड कपल ऑफ सीन्स विद राकेश बापट एंड ही इज़ अ वंडरफुल एक्टर, ही इज डन अ लॉट ऑफ वर्क, तो उसके बारे में मैं क्या बताऊँ। लेकिन हमारे सीन्स बहुत अच्छे निकल के आए हैं क्योंकि भरत ने अपना विजन बहुत क्लियर रखा था और उसका जो एग्जीक्यूशन है बहुत ग्रेंजर के साथ किया हुआ है। तो एक अच्छी रिच ग्रेंजर वाली मराठी फिल्म बन रही है और देखकर पोस्टर कन्फ्यूजन हो जाता है कि यह मराठी या हिंदी है, लेकिन है यह मराठी फिल्म और मराठी सिनेमा सबसे बड़ा सिनेमा हो गया है आज।
मैं सबको यही गुजारिश करूंगी कि प्लीज़ आप राजन फिल्म देखिए, 19 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है, एक एंटरटेनिंग फिल्म है और आपको कुछ अपने 1993 के बारे में आपको याद दिलाएगी, क्या क्या हुआ था वो बताएगी, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फिक्शन है, बट एंटरटेनिंग है एंड राजन मीन्स एंटरटेनमेंट, डू वॉच. थैंक यू. Doing an item song was not a part of my plan, first of all, but I really, really wanted to be a part of Rajan film because I had so much about the film. So I thought, you know, let's try this, let's see if I can do it. And Bharat sir had so much faith in me that I can do it. So please go to your nearest theaters and please watch Rajan and let us know how do you like the film, how do you like my song. So please watch Rajan. Experience was very nice because I have done songs like in my debut film, but those were romantic songs. Item song is a very different flavor. So I hope sabko acha lage. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. All the best. Come here. Honestly, sorry. Ma'am, please come. Anita, sorry. Anita. I'm very honored और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि सोनू भैया मेरे बहुत फेवरेट सुबी सैम्यूल सर, कीर्ति सगातिया, काफ़ी अच्छे लोग आए यहाँ पे मुझे और मेरी फिल्म को बधाई देने, विश करने. ट्रेलर लॉन्च में कहना चाहूँगा कि आज रात को ही सारे चैनल पे मेरा थिएटरिकल आउट हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि आई विश के इसको ऑडियंस अच्छा रिस्पॉन्स दे आणि मराठी माझे ऑडियंस माझे मायबाप ते माझ्यासाठी उभे राहतील ह्या सिनेमासाठी. नक्कीच काहीतरी नवीन प्रयत्न केला आहे मी ह्या सिनेमाद्वारे समोर यायचा. खरं तर मी मीडियासमोर येतच नाही, खूप लोकांना माहिती आहे बिहाइंड द कॅमेरा इकडे असलेल्या, काम करायला मजा येते. पहिल्यांदा मी ह्या सिनेमा थ्रू पुढे येतो आहे आणि माझ्यासाठी हा सिनेमा फार महत्त्वाचा आहे. स्टारकास्ट आय वूड लाईक टू से राकेश बापट, तो तसा नाही आहे आणि तो वेगळा दिसतो ह्या सिनेमात, ते तुम्हाला कळेलच. एक राजन या कॅरेक्टरच्या भूमिकेत ही इज लुकिंग ऑसम and Dipti did so much work for the character selection. She used to advise me ha scene la asa te tasa nahi honar asa nahi honar, and she used to guide me all the time. Iqbal Khan pahilanda marathi cinema to kai tari asa vegla karto, Kishori Shahane tyancha kai tari vegla character ahe, Arun Nalavade, Suhas Palsikar, so many big artists are there in my film. मला कोणाच्या वैयक्तिक लाईफबद्दल नाही बोलायचं आहे, पण मला असं सांगावं, मला असं बोलूशी वाटतं की राजन हा विषय जो आहे तो खूप जवळचा आहे मुंबईकरांच्या, आणि फक्त असं नाही आहे की तो एक कॅरेक्टर, मी म्हणेल की तो पूर्ण सिनेमा हा मुंबईकरांच्या जवळ आहे. तर माझ्या मते तुम्ही सगळ्यांनी असा सिनेमा बघायला जावा आणि राजनला त्या सिनेमा थ्रू मुंबईकरांचं जे 1993 जे वातावरण होतं ते नक्कीच बघावं. हां, हिंदी में आप क्या कहना चाहेंगे? भरत जी ने बहुत मेहनत किया है एक स्टोरी बनाने के लिए, जैसे बहुत मेहनत करना पड़ता है वैसे 4 से 5 साल उन्होंने स्टोरी के पीछे ही डाला है. एंड डायरेक्शन के लिए भी उन्होंने बहुत बहुत मेहनत किया, दिन रात वो कोई डाउट्स ही नहीं है उनके लिए. He is very hard working person and honest. मुझे थोड़ा बहुत creativity का है तो मैंने उनको थोड़ा support किया, suggestion दिया. अगले तो director She is a part of my film. She was there behind me and just because of like her support I used to walk on. मतलब कोई भी बुरी चीज़ें हो रही थी, she used to be there as a my moral support. And thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much.